Welcome to Time News Studios. You are watching 1 p.m. Bulletin. सुप्रीम कोर्ट एपीएस थाने ते कमीशन वफाकी सरकार जो रिपोर्ट्स अवाम आडो पधरियों करण जो हुकुम वे छो हुकूमत के कमीशन जी रिपोर्ट ते लाइन ऑफ एक्शन ठाण जो हुकुम अमानुल्लाह कमरानी अदालती मुआविन मुकरर अटॉर्नी जनरल अदालत के आगाही दिनी तो वाक़े के जिम्मेवार खिलाफ़ कार्रवाई कई पी वे चीफ जस्टिस रिमार्क्स में अटॉर्नी जनरल साहब मथा का कार्रवाई की शुरुआत करो जिम्मेवार खिलाफ़ सख्त कार्रवाई कई वे तो मुस्तकबिल में अड़न वाक्य का बची सकजे खबर हुजन घुर्जे तो कहीं गफलत के नतीजे में यो वाक्य पेश आयो हो आई कें जान मुहैया न कई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद रिमार्क्स में असाजे मुल्क जो अलमियो रो है तो वे साने के जिम्मेवार नंढे अमले के फारिग कर छो वन मानून खिलाफ़ का भी कार्रवाई न कई वी है जैसे आवाम महफूज ना तो एडो वो मुल्क निज़ाम छो हलए रहा है। एपीएस थाने के मुतासिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के स्कूल जो दौरों करण की दावत दई छी। चीफ जस्टिस 16 दिसंबर से पिशावर में रिथल तकरीब में शिरकत की दावत कबूले वरती। सुप्रीम कोर्ट में बुधने बाद मीडिया से गालाइंदे थाने के मुतासिन तो सुप्रीम कोर्ट मथे वेठल जिम्मेवार पकड़े हेठी सतह से पा ही सब कुछ ठीक थी वो असाजा बार वापस न इंदा पर चाहूँ था तो जिनके बारों से अड़ो वाक्य पेश न अचे। हमले दौरान एक रिथा बनी थे बारन के एक ही हाल में गन किया ही वाक्य दहशतगर्दी न पर टारगेट किलिंग जो है। रिपोर्ट की रोशनी में बेन जो केस विहण घुरू था तो जी साने के असल जिम्मेवार पतो पे सके मुतासर तरफा इंसाफ की हासिलत ताई कानूनी वेड़ जारी रखने के अजम जो इजहार। कराची के गुलिस्तानी जौहर वाले इलाके में मुबैना मुकाबले दौरान हथियारबंदन की फायरिंग में सब इंस्पेक्टर शहीद। पुलिस जो चवण है तो अच्छे रंग की गाड़ी में सवार हथियारबंदन बैंक की रकम खड़ी मिल गाड़ी में फुर की कोशिश कई तो पुलिस पहुंची वही। समामा शॉपिंग मॉल भरसा पुलिस हथियारबंदन में मुकाबलो थो जै दौरान सब इंस्पेक्टर रहीम खान शहीद थी वो। शहीद सब इंस्पेक्टर गुलिस्तानी जौहर थाने से SHO मुकर्र हो। भारतीय शहर जोधपुर में शहदादपुर वासी 11 भारतीय के कत्ल खिलाफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सर से इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में हिंदू बिरादरी जो एहतजाज। MNA रमेश कुमार जो चवण है तो भारतीय हाई कमीशन आरो एहतजाज करण घुरू था। भारतीय पुलिस की जांच का अग ही कत्ल के वाक्य के आबकात करार दई छो है। भारतीय एजेंसी रा मकतूलन के खतरो करार दिनों हो जै बाद खेन कत्ल किया वो। भारत पाकिस्तानी शहरों के चवन है तो मुल्क छड़े वापस हलिया वो आलमी बिरादरी इंसानी हक की लताड़ जो नोटिस वे। वज़ीर आज़म इमरान खान गडल कौमन की जनरल असेंबली के अज खिताब कह। इमरान खान कश्मीर मसलो उजागर करे भारत जो असल चेहरो वाइको कह। वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया COVID-19 खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी बाबत भी दुनिया के बुधाई। सिंध में बिजली जो बदतरीन बहरान के इलेक्ट्रिक सेबको हैस्को तरफा आने लाने लोड शेडिंग जो अजाब जारी। कराची के लियाकताबाद मलीर कायदाबाद गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर क्लिप्टन खारादर लियारी क्यामारी और बेन इलाक में बिजली नायाब की वही। 12 कलाकन का वधीक लोड शेडिंग शहरों जो जीण अजाब बनाए छो। हैदराबाद सखर लाटकानो दादू जेकबाद मीरपुर खास कंदकोट नौशर फिरोज सांगड़ और बेन शहर में 8 से 18 कलाकन ताई लोड शेडिंग सबब कार व्यवहार मुतासर। तालीमी इदार में शागिर्दन की पढ़ाई मुतासर शहरी घर में सुकून का महरूम। तगवाणी भरसा गोट जियो मलिक में गोठान हथा पकड़ पोरू के पुलिस हाफ फ्राई कर छो। पुलिस तरफा मुकाबलो जाना हाफ फ्राई थियल पोरू नक्की भुला निंदवाणी का पिस्तौल हथ कर दावा। पोरू जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस है तो गोठाने अस्कर मलिक की फरियाद से फुर जो केस दाखिल किया है। पोरू खिलाफ़ सरकार की मुदयत में मुकाबले जो भी केस दाखिल किया वो। गोठान मुकाबले वाली दावा रद्द करने है तो पोरू नक्की भुला के फुर दौरान सोगो कर पुलिस हवाले किया। पुलिस पोरू के हाफ फ्राई किया है। एहलकार गिरफ्तार थियल फोरू के मोबाइल में विहारे गश्त कर रहा हुआ तो गोठान रोके वरतो। पुलिस ने गोठान में मुंह मारी
बे पासे थाने ते बीठल पुलिस मोबाइल के एहलकार धिको दई स्टार्ट कयो। मलीर में गगर फाटक वाले इलाके में दहन वरें जो नीगर सज्जाद अली कलमटी बिन दीहन का गुम वारसन अल्फाज शख्स जाहिर करे छो। नीगर के वालिद ताज मोहम्मद कलमटी जो चवण है त पुट सामान वठण लाए घर निको त वापस न मोटो। मुख्तलिफ इलाक में गोला बावजूद सन स्कोर में पतो पे न सको। पुलिस भी नीगर बाजियाबी लाए कार्रवाई न पी करे। घोट शफी मोहम्मद कलमटी मां कुछ अरसों अग भी एक बार अगवा थो हो। बे बार की अगवा जो इतला मिलने बावजूद हद के थाने की पुलिस हरकत में न आई। मुआशरे में जानवरों से प्यार हमदर्दी हुए तो बार ज्यादा जहाँ वाक़ भी पेश न थी जै मुआशरे में जान की कीमत न हो उते अड़े किस्म जहा थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ज चिड़ियाघर के जानवर के मरी वन खिलाफ तोहीन अदालत केस से बुधनी दौरान रिमार्क्स चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह है तो जो मू जिंदगी जो कदर कह वो जानवर के भी कुछ न चवन मकरू डोह कर पासो कुधनी दौरान चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड अदालत के आगाही दिनी तो असा वट सेंचुरी ना हाथी के हर सूरत में कंबोडिया मोकलो पवो। चीफ जस्टिस चयो तो इन मुआशरे में माइंडसेट तब्दील करने की जरूरत है। डेढ़ साल दौरान अदालत अगर यह गाल सामू आई है तो असाजे मुआशरे में हमदर्दी बिल्कुल भी ना जिन जानवर के अल्लाह ताला वन पहाड़न में रहने लाए ठाओ उनके असा इतने बंद कर छो है। अदालत फैसलो दई चुकी है तो हाँ चिड़ियाघर की न तो सके जानवर लाए जो बेहतर हुए वो कर टार्चर में बाहर कढ़ो। कराची की एहतसाब अदालत में आमदनी का असास रेफरेंस से जवाबदार मथा एक फर्द जुर्म लागू न थी सको। बुधनी दौरान सिंध असेंबली जो स्पीकर आगा सिराज दुरानी पेश शरीक जवाबदार जुल्फकार शमशाद खातू पेश न थे। अदालत समूर जवाबदार की ईंदड़ बुधनी से हाजिरी यकीनी बनाने जो हुक्म दई छो। अदालत बाहर मीडिया से गाले आगा सिराज दुरानी तो जैके रैली कड़नी है भली कड़े कड़ो फर्क तो पवे कें भी एनी हिम्मत ना जो सिंध के विराय सके कुछ सियासी मानू जिंदा रहण लाए अड़ी हरकतू कना है। समुंड में जहरीलो पानी छोड़ करण खिलाफ दरख्वास्त चीफ सेक्रेटरी बल्दियाती खाते के सेक्रेटरी ए बन लागापल अख्तियार के नोटिस जारी। सिंध हाईकोर्ट लागापल इदार जवाब तलब कर वरतो। दरख्वास्त गुजार मौकिफ इख्तियार है तो कराची जो गदलो पानी सीधी रीत समुंड में छोड़ कर वे तो। समुंड में जहरीलो पानी छोड़ थियण से आबी जीवत के नुकसान थी रो है। समुंड में जहरीलो पानी छोड़ थियन का रोको वे। सिंधु दरिया ए मंछुर ढंड में गंद कचरो तोड़े गदलो पानी छोड़ थियण से चीफ सेक्रेटरी ए बिन वागियल इदार नोटिस जारी। अदालत धुरन का चिन हफ्तन में जवाब तलब कर वरतो। बुधनी दौरान जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी पुछो तो जहरीलो पानी छोड़ थियण के हवाले से कड़ी शाहदूँ। दरख्वास्त गुजार चो तो अखबारों में रिपोर्ट थो है तो दरिया ए मंछुर ढंड में जहरीलो पानी छोड़ कर वे तो गदलो पानी पीण से शहर की जिंदगी के खतरो थी सके तो। सिंध के बरसात सिम नाल के घर सबब मुतासर थियल इलाक में एक महीनों गुजरी वन बावजूद बरसाती पानी निकाल न थो। पेरूमल शहर ए भरपासे वाले इलाक में बरसाती पानी बीठल होजन सबब पोलियो मुहिम सख्त मुतासर। बार पोलियो का बचाव ज पुड़ा पियारण लाए पोलियो टीम्स के मुतासर इलाक तन में रुख्य। पानी हेट आयल इलाक में पंज ढी पोलियो मुहिम शुरू न थी सकी। खिपरो की देह कड़ोली सूदो बन इलाक में बरसाती पानी निकाल न थे गोठान तरफा एहतजाज तौर पोलियो मुहिम जो बायकॉट। सत गोठन के रहवासन तरफा बार पोलियो का बचाव या फुड़ा पियारण का इनकार। गोठान है तो जेस तीन गोठन में बरसात नाल पानी निकाल नो बार पोलियो जहा फुड़ा न पियारा वा। रहीम यार खान ए साले पट में तरबियती मशकन पाक फौज के जवान तरफा शानदार महारत जो मुजाहरो। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज तरबियती मशकन जो मुआयनो कयो। कराची ए पनवाकिल गैरीजन से वास्तो रखंदड़ फौजी जवान मशकन में हिस्सों वरतो। कोर कमांडर तरफा मशकन दौरान बेहतरीन महारत जो मुजाहरो करण से जवान के वाधायूं। पीएसएल 2020 में मैच फिक्सिंग मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वकीस आलमी गिरोह खिलाफ अहम अगराई।
कराची की बैंकिंग कोर्ट फैसल चथा सूदो 13 जवाबदार फर्द जुर्म लागू कर छोड़ो। जवाबदार अदालत आदो डोह मन का इनकार। अदालत जवाबदार फैसल चथा तरफा एक भेरों बीहर दाखिल कल जमानत दरख्वास्त से फैसलो महफूज कर वरतो। फैसलो 8 अक्टूबर से जारी किया वो। केस के शाहिदन के बहींदड़ बुधनी से पेश करने जो हुक्म। अदालत FIA के चालान में जवाबदार फैसल चथा जो नालों केस में खारिज करने वाली इस्तदा रद्द कर छी। फर्द जुर्म लागू थियल जवाबदार में मरीदर कुमार, नरेश कुमार, मोहम्मद फैसल और हनीफ शेख शामिल। FIA जो चवण है तो PSL 2020 में बुकीज़ एक क्रिकेटर से राबो किया। एक आलमी गिरोह पाकिस्तान के बदनाम करण जो प्लान ठाया हो।